तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमो नमो हे मात पिता जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन हाथ जोड़ विनती करो सुनियो चित्त लगाए दास आ गयो शरण में रखियो जगदम्बा जगतारिणी जगदाती जगपाल इसके चरणन जो हुए उन पर हो शीतल छाँव में माँ की शीतल छाँव में स्वर्ग सा सुख होए जिसकी रक्षा माँ करे मार सके ना को लाल देह लाली लसे हर धर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु शिव समान दाता नहीं विपत निवारण लज्जा सबकी राखियो ओ नंदी के यसवान ओ नंदी के दादाजी की सभी को प्रणाम और एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी को एकादशी पर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ग्यारस का ये पवित्र दिन है और जैसा कि कलयुग में कहा गया है कि अगर ईश्वर का सामीप्य पाना चाहते हैं तो सबसे सरल मार्ग है भजन का, तो हर एकादशी की तरह आज इस
पावन एकादशी के अवसर पर एक बार फिर से बाबा की आराधना करने हम सब जुड़े हैं। तो इस भजन संध्या के माध्यम से सभी दिल से, सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। और वो मनोकामनाएं तभी पूर्ण होगी जब आपकी अर्जी जो है वो सच्चे हृदय से लगना चाहिए, सच्चे मन से लगना चाहिए। तो सभी एक एक जयकारा जरूर लगा दें, लिख दें। जय श्री श्याम और हारे के सहारे की जय। आज हमारी रीता दीदी यजमान है और आज की यजमान हमारे अमित चंदिल जी भी हैं। दोनों परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम ये संध्या लेकर आए हैं। और ये दुनिया हमेशा कहते हैं परिवर्तन की ओर अग्रसर रहती है, चाहे कितने ही परिवर्तन आ जाए, लेकिन जो मानव जीवन है वो हमें एक बार मिलता है। कोशिश होती है कि हम चाहे कितने ही परिवर्तन आ जाए, चाहे कितने कष्ट आ जाए, कितनी तकलीफें आ जाए हमारे जीवन में, हमें भजन करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि एकादशी के दिन हम सब मिलकर बाबा की आराधना करें। बिल्कुल। तो गणपति बाबा का स्मरण हो चुका है, हनुमान जी महाराज का ध्यान हो गया है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिल चुका है और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा हमारे सर पर है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ग्यारस की एकादशी की खूबसूरत सी भजन संध्या के साथ। और जो विशेष है वो ये है कि आज जो है वो लाइव म्यूजिक के साथ हम लोग भजन संध्या करने वाले हैं, नो ट्रैक्स एनीमोर। तो आज बहुत सारा काम है योगेश जी के लिए, गाना भी है, प्ले भी करना है म्यूजिक, और बाबा की आराधना तो हर पल हम सुबह से कर ही रहे हैं। क्या बात। तो बाबा की आराधना जब होती है तो जो बहुत कुछ तो नहीं आता, पर जितना भी टूटा फूटा आता है और जितना भी मन के जो भाव मन है, के वो जो भाव है उस तक पहुंच जाए और तो कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा। और जितने भी श्याम भक्त अगर इस भजन संध्या को देख रहे हैं, संध्या को देख रहे हैं, तो उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हम लोग लाइव के लिए तैयार हैं और हमें भी बाबा की कृपा मिल जाए, मिल जाए, उनका हाथ हमारे सर पर हो, हम भी लाइव परफॉर्म करें, एक छोटा सा प्रयास है जी। तो जय श्री श्याम, लखदातार की जय हो। और दिल से पुकारोगे ना तो हमारा सावरिय जरूर आएगा, ऐसा हम सब श्याम प्रेमी अनुभव करते हैं। सिर्फ दिल से अरदास लगानी है, दिल से पुकारना है और गाना है, कहना है। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया,
थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और जब दुनिया में किसी का कोई सहारा नहीं होता है, बस एक ही सहारा होता है उस कन्हैया का, जो हर किसी की सुनता है और हर किसी के दिल में रहता है। जरूरत है बस उसे पहचानने की और उसे पुकार लगाने की। तो सच्चे दिल से अगर आप पुकारोगे तो जरूर आएगा, आजमा के देख लीजिए। क्योंकि तुझसे उम्मीद है मुझे, तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। तुझसे उम्मीद मुझे, तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और कलयुग जो है वो हमारी परीक्षा होती है, थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है प्रभु को। वो वैसे तो हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, लेकिन कभी कभी माता पिता भी कठोर हो जाते हैं और बड़ी परीक्षा लेते हैं हमारे संयम की। तो बस अगर हम प्रेम पूर्वक उन्हें पुकारेंगे, उनसे अरदास लगाएंगे, उम्मीद लगाएंगे, उन पर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो वो जरूर आकर हमारे दामन को थाम लेंगे। तो सभी एक एक जयकारा जरूर लिखें। बनो ना कठोर थोड़ी, दया से काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर थोड़ी, दया से काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर थोड़ी, दया से काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। संजू गुण गाएगा, संजू गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा, संजू गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा। योगेश गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा, योगेश गुण गाएगा, सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू
आंसू पोंछ कर, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मैं चाहूंगी सभी एक एक बार जरूर लिखे, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। सभी एक एक बार जरूर लिखें और अपनी अरदास लगाएं, क्योंकि आज के दिन जो भजन करता है सच्चे मन से और आप वहाँ हैं हम यहाँ हैं, और जो शेयर करता है औरों तक ये भजन पहुँचाएगा, तो बाबा जरूर आएगा और आप सबकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। और आपकी फरमाइश के भी भजन सारे होंगे, और लगता है बाबा जब आपको बुद्धि देगा तो आप लिखेंगे कि वो क्या सुनना चाहता है, तो हम यही समझेंगे कि बाबा की इच्छा से ही हम भजन सुना रहे हैं, क्योंकि आज बाबा को सुना रहे, बाबा के लिए सुना रहे हैं। तो सभी अरदास लगाएं, बोले खाटू नरेश की जय हो, और कीर्तन की रात सच चुकी है और बाबा को आज आना होगा, आना होगा, क्योंकि सभी सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, तेरे कॉल निभानो है। कीर्तन की है, थाने आनो है कीर्तन की है रात। और ग्यारस ग्यारस पर विशेष श्रृंगार होता है बाबा श्याम का, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं वो भक्त जो आज उनके दर्शन प्राप्त करते हैं, और हम मन की निगाह से उनके श्रृंगार को देखते हैं, उनके उस दरबार को देखते हैं जो ऐसा सजा है मानो उससे खूबसूरत दुनिया में कोई दरबार नहीं। और हमारे विजय भैया हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने जय श्री श्याम हमें बाबा की सेवा में लगा रखा है, और भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और हम तो यही कहेंगे, दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो, जैसा बाबा ने हमें चुना है इस प्लेटफॉर्म पर कि हम उसकी भक्ति करें, तो उसे भी हमने शिरोधार्य किया है, स्वीकार किया है, तो आज यहाँ से लाखों करोड़ों लोग जरूर इस भजन संध्या को देखेंगे, पहुंचेगी उन तक ये भजन संध्या।
और सबसे पहले ये भजन संध्या जाना चाहिए खाटू धाम कि बाबा आज आपको सब दिल से याद कर रहे हैं, सभी सेवा में खड़े हैं। कीर्तन की है प्यारी, कीर्तन करा जम कर, प्रभु दिमाग में दिया है, लिखा है, मुझे इतनी दूर से नहीं दिखाई दे रहा। और देखिए इस दुनिया में हर प्रकार के भक्त रहते हैं, किसी को बाबा ने बहुत दिया है, किसी को कुछ भी नहीं है, किसी को थोड़ा, जिसे और पाने की लालसा है। तो जिससे जैसा बनता है वो उसकी भक्ति करता है, और जो हमेशा ये विश्वास रखता है कि आज नहीं है तो कल होगा, कल नहीं है तो परसों होगा, लेकिन बाबा का आशीर्वाद सदा उसके सर पर होगा, तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। उस विश्वास को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए अपने दिल से, हमेशा उस शक्ति पे विश्वास रखना चाहिए जो हर पल आपके साथ है, आपके दिल में है। जैसे एक मृग के अंदर कस्तूरी होती है और वो इधर उधर ढूंढता है, भटकता है उस खुशबू को लेकर के, पता नहीं है खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन रहता उसके अंदर ही है। ऐसा ही हमें भी उस ईश्वरी शक्ति को ढूंढना है, और भजनों के माध्यम से अगर हम उसे खोजेंगे तो वो हमें जल्दी मिल जाएंगे। जो कुछ बन्यो मासू अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो। थरो दास पुराणो है नंदू सावरिया, नंदू सावरिया रे थरो दास पुराणो है, थर कौल निभाणो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जिसने भी सच्चे हृदय से बाबा श्याम के चरणों में अरदास लगाई है, उनकी यह अरदास जरूर बाबा तक पहुंचेगी। और जब हमारे बाबा हमारी विनती सुनकर किसी न किसी रूप में हमारे सामने जरूर आएंगे हमसे मिलने, तो आप सब क्या करेंगे?
ये मान लीजिए कि वो आ गए, तो आप क्या करेंगे? और मैं तो कहता हूँ सभी लोग यही कहेंगे और करेंगे क्या? मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सब काम हो रहा है। और जिस पर भी उसकी कृपा हो जाती है तो वो रेगिस्तान में भी नाव चला देता है, बिना पतवार के ही नाव चल जाती है। और जमाना ये देखकर हैरान हो जाता है कि अरे इसके पास तो कुछ नहीं था, इसके पास तो नाव भी नहीं थी, इसने रेगिस्तान कैसे पार कर लिया। तो जब उसकी कृपा होती है तो ऐसी होती है कि हमारी झोली जो है वो छोटी हो जाती है, छोटी पड़ जाती है, उसका इतना आशीर्वाद मिलता है। तो क्या कहेंगे? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और जिसका उसकी कृपा से काम हो रहा है ना, मैं बस यही कहूंगी कि आप सभी हर उस कार्य के लिए उसका शुक्रिया अदा करते चलें, धन्यवाद देते चलें। जो भी जीवन में आपके हो रहा है सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। वो तो ये देखना चाहता है कि अच्छा हुआ तो आपने शुक्रिया अदा किया या नहीं, बुरा हुआ तो आपने शुक्रिया अदा किया या नहीं। तो आप सबके भी बिगड़े काम बन जाएंगे, बस एक बार उसका शुक्रिया अदा जरूर करें, हर उस पल का, हर उस दिन का, हर उस व्यक्ति का जो आपके जीवन में है। तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस भजन संध्या का, बाबा ने हमें अवसर दिया है उसकी भक्ति करने का। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी
जो मेरे किस चीज की कमी तेरे साथ से गुलाम अरे गुलफाम हो रहा है तेरे साथ से गुलाम अरे गुलफाम हो रहा है मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है करते हुए चले क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है। हम लगभग 3.5 साल 4 साल होने जा रहे हैं। 4 सालों से बाबा की भजन संध्याएं फेसबुक के माध्यम से बाबा से जुड़े हैं। जी हाँ, जुड़े हैं और आप लोगों के लिए भजन संध्या लाते हैं। और एक बच्चा 4 साल में थोड़ा सा समझदार हो जाता है। बिल्कुल, और हम सब मिलकर बाबा को समर्पित करते हैं ये भजन संध्या, बाबा के लिए गाते हैं, उन्हें रिझाते हैं, क्योंकि हमारा बाबा बड़ा भोला है। उसे तरह तरह के भोग नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपका सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास। और ये विश्वास अगर कर लिया जाए कि भजन करके हम उसे रिझाएंगे तो वो जरूर रिझेगा। और आशीर्वाद स्वरूप हमारी रीता दीदी हमें आशीर्वाद दे रही हैं स्टार्स के रूप में। विशाखा पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी जय श्री श्याम कहता हूँ। और सीएल मीना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सब पर विशेष कृपा बनी रहे बाबा की। और एक भजन की फरमाइश आ रही है सखी, वो यहाँ से आप देखिए, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ। मैं यही कहता हूँ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम
नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। ओ कौन कहता है भगवान आते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। हम लोग इस कलयुग में इतने पापी हो चुके हैं, ये मनुष्य जीवन में इतने पाप कर चुके रहते हैं, चाहे वो जानकर किए गए हो या अनजाने में, कि ईश्वर भी जब हमारे सामने आता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उस ईश्वर को पहचानने के लिए हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं होती है। लेकिन पहचान सकता है एक छोटा सा बालक जो बड़ा ही मन का साफ होता है और उसे इस दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वैसे ही मन को अपना बनाए रखें तो प्रभु को आप जरूर पहचान लेंगे, जब भी वो जिस किसी रूप में आपके सामने आएंगे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। 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 माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम खिला भी सकता है, सुला भी सकता है और अपने जैसा बना भी सकता है। तो सच्चा भक्त बनने की पूरी कोशिश करें, अपने मन के मैल को धोने की कोशिश करें। और शायद इसीलिए कहते हैं कि ग्यारस का वो दिन होता है जिस दिन अगर हम चाहें तो भजन करके अपने किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात। तो चलिए आराधना करते हैं, बुलाते हैं और भगवान को नचाते भी हैं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है
कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। और जिसका जिसका बाबा से गहरा नाता है, जिसके सपनों में बाबा आता है और उनका ही बन जाता है, तो सांवरे को दिल से पुकारते हैं, लेकिन पुकारने के लिए ऐसा हमें दरबार सजाना होगा, ऐसी और सजानी होगी। सुशीला जी, वैशाली जी, अनिमा जी और रीता दीदी और जितने भी परिवार के लोग, कुमार राजू जी, और बिल्कुल पलके बिछा के इंतजार पलके बिछा कर, और सभी लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे। क्या बात है। अरे गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे। उनका ये साथी बन जाता है सांवरे की नजर दिल को, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है, सांवरे की को। और जब घर में ही भजन किए जाते हैं ना, तो वो घर घर नहीं रहता। और आज रंजीता जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी हर घर में अगर शाम भजन जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग आपको सुनाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ ये बाबा के भजन जा रहे हैं, जी हाँ, वो जगह बिल्कुल मंदिर सी महसूस हो रही है, अनुभव हो रहा है सभी को, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल।
और घर में अगर आप लोग भजन सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है भजन सुनते जो इनके प्यारे उनके परिवार के बारे न्यारे भजन सुनते जो इनके प्यारे उसके परिवार के बारे न्यारे मंदिर सा घर बन जाता है सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है किस्मत वालों से मिलने शाम आता है सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है किस्मत वालों से मिलने शाम आता है ओ किस्मत वालों से मिलने शाम आता आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के 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 लीले चढ़ के ये घोड़े पे चढ़ के लीले चढ़ के ये घोड़े पे चढ़ के सरकार लीले पे चढ़ के आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के ओ लीले चढ़ के ये घोड़े पे चढ़ के लीले चढ़ के ये घोड़े पे चढ़ के ओ आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के मुझा की मरोड़ के सरोब है निरालो मुझा की मरोड़ के सरोब है निरालो ओ मुझा की मरोड़ के सरोब है निरालो मुझा की मरोड़ के सरोब है निरालो घुंघर वाला बाल मेरो सांवलो रखालो घुंघर वाला बाल मेरो टप 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 लीले की टाप टप टप खड़के लीले की टाप टप टप खड़के ओ आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़के आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़के आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़के केसरियों बागों जपे बेटो पंच रंगो केसरियों बागों जपे बेटो पंच रंगो मोर पंख जयपुरी रुमाल है सुरंगो मोर पंख जयपुरी रुमाल है सुरंगो तो मुल्क निहारो तन जी भर के मुल्क निहारो तन जी भर के तो
सरकार लीले पे चढ़ के, सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, और आज तो मैं खुशबू भाभी और विजय भैया से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा शेयर आप लोग भी कर दें। बिल्कुल शेयरिंग कर दें, बगैर बोले कर दें, बड़ा पुण्य का काम है ये। क्या पता वो कब प्रसन्न हो जाए और जो रुके काम है वो पूर्ण हो जाए आप लोगों के। क्योंकि आज मैं देखना चाहूंगा कि फिल्मी गीतों को तो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं आज, भजनों को कितने शेयर करेंगे, भजनों को कितने लोग शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल होता है। सलील बेनीवाल जी, खुशबू भाभी ने शेयर किया, धन्यवाद। जय श्री श्याम भाभी। और देखिए आरती वर्मा जी ने शेयर किया है, बड़ा मुश्किल होता है इस कलयुग में भक्ति करना। हम पिक्चर तो कितने ही घंटे देख लेते हैं, लेकिन भजन संध्या में हम भजन करने जाते हैं तो एक घंटा भी जो सच्चा भगत है उसे तो मालूम नहीं पड़ता। वो सोचता है कि काश ये रात भर चलता रहे, और जिसको जाना रहता है, कोई काम होता है, तो वो इंतजार करता है कि भजन संध्या कब खत्म हो। सही बात है। तो हमेशा सच्चे मन से जाएं, सच्चे भाव लेके जाएं, सच्चे हृदय से भजन करने जाएं, और आप भी हमारे साथ सच्चे हृदय से जुड़े। और भजन संध्या कैसी लग रही है ये भी लिखें, क्योंकि बाबा का जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो बाबा का खूबसूरत श्रृंगार दिखता है, और बाबा विशेष श्रृंगार होता है 11 को। हाँ, और वो तो रोज ही विशेष श्रृंगार होता है सखी, पर बाबा का श्रृंगार जो है वो जब देखकर मन जो कहता है वो यही कहता है, बाबा को श्रृंगार मन भावे, ओ खाटू वाले को दरबार मन भावे, श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे, दुनिया का नजारा के देखा के देखा, श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे, ओ खाटू वाले को दरबार मन भावे, श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे, दुनिया का नजारा के देखा के देखा, श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को श्रृंगार मन भावे। और वाकई में बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार होता है बाबा श्याम का। नीतिका जी भी हमारे हमसे सहमत है, और बाबा की कृपा आप पर भी बनी रहे नीतिका जी, और जो जो शेयर कर रहे हैं उन पे आज विशेष कृपा होगी। जाओ एक मुखड़ो प्यारो प्यारो, एक ही अखियां जो अमृत की प्याली, एक मुखड़ो प्यारो प्यारो, एक ही अखियां जो अमृत की प्याली, एक माथे मुकुट है क्रा पर, मोर पखियां गजब की निराली, एक हीरो चमके भाल, एक घूंगर वाला बाल, एक हीरो चमके भाल, ओ एक घूंगर वाला बाल, एक हीरो चमके भाल, एक घूंगर वाला बाल, एक हीरो चमके भाल, मैं चांद सितारा के देखा के देखा, श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे, चाहे रंग केसर हो, लाल हो या गुलाबी,
धौला हो या पचरंगा। तो ये खूबसूरत अगली जो लाइनें हैं वो बाबा के लिए। और आप सब भी ध्यान से सुने और जय श्री श्याम लिखते चले। ये तो बदल बदल कर पहरे नित बागा रंग बिरंगा। ये तो बदल बदल कर पहरे नित बागा रंग बिरंगा। कदे केसर लाल गुलाबी कदे थोला कदे पहरे थोड़ी थोड़ी दे। बागो पहरे घेर घुमेर पहरे थोड़ी थोड़ी देर। एक बागो दोबारा ना देखा ना देखा। श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे खाटू वाले को श्रृंगार मन भावे। बाबा को सजाया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं, सजा करके भजन गाया जाए तो वो और प्रसन्न होते हैं, और भजन गाकर उसे पुकारा जाए और नाचते हुए पुकारा जाए तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपना बच्चा बना लेते हैं और बार बार खाटू बुलाते हैं। और हमने तो गलती से मतलब गलती तो नहीं कहूँगा, ये तो पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे, तो बाबा ने फिल्मी गीत गाते गाते हमें भजनों से लगाया और आज ऐसा लगता है कि हमें भी मंच मिलना चाहिए, हमें भी अवसर प्रदान करना चाहिए। और हम 9 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं और बाबा की कृपा बनी रहे, और मैं निवेदन करूंगा अगर श्याम प्रेमी है तो हमें भी अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि कब तक चुप बैठूं, अब तो कुछ है बोलना बोलना पड़ता है। ओ क्या मोटा मोटा गजरा भूल गई भाता का पिरोया। का मोटा गजरा भूल गई भाता का पिरोया। ऊपर से इतर छिड़के चारों कानी सेवक आया। ओ म्हारो बाबो है शौकीन देखे तबीयत हो रंगीन। ओ म्हारो बाबो है शौकीन देखे तबीयत हो रंगीन। गुलशन की बहारा के देखा श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे। ओ खाटू वाले को दरबार मन भावे। ओ श्याम बाबा सिंगार मन भावे। ओ खाटू वाले को दरबार मन भावे। और दरबार में कितना खूबसूरत है बाबा का चेहरा, जब बाबा को हम देखने जाते हैं, बाबा से कुछ मांगने जाते हैं, सभी दीवाने हो जाते हैं पागल से तो बन जाते हैं। पर होता क्या है कि जब बाबा से मांगने की बारी आती है, बाबा के सामने हम खड़े होते हैं और सब बाबा कुछ भूल जाते हैं। तो जैसे ही सामने पहुंचते हैं, तो ये हमारा अनुभव बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ही सामने पहुंचते हैं और दर्शन में ऐसे खोते हैं, क्योंकि बाबा की जो सांवली सूरत है वो देखते ही बनती है, और वहां से आदमी को तुरंत, क्योंकि कुछ ही सेकंड के दर्शन होते हैं खाटों में, और उन कुछ सेकंडों में क्योंकि पूरे रास्ते भर सोचते जाते हैं कि आज बाबा से हम ये विनती करेंगे, बाबा से ये प्रार्थना करेंगे, बाबा से हम ये कहेंगे, बाबा से हम वो कहेंगे। अच्छा पता है क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाबा को ये बेहतर पता है कि ये जो मांगने आया है इससे ज्यादा जरूरी क्या है। तो वो फिर मांगे ही वो दे देता है जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है, और जो हम सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे मन को पढ़ लेता है। और बाबा जब मन को पढ़ता है और उसकी खूबसूरत आंखें जब हम देखते हैं, तो यही कहते हैं कि क्या
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन हो, चाहे हम हो। हाँ।
को तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल तीसरा घुंघरू बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तो बोलो बोलो सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन कभी ना हुआ वो
चमत्कार उसे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा ये अनुभव है। और सिर्फ उसके दर्शनों को गए थे और उसने हमें अवसर दिया कि हम उसकी भक्ति कर सके। सवर के बैठा ये तो दरबार अपना लगा के, बम सवर के बैठा हो ये तो दरबार अपना लगा के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के, देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के। कष्ट कटे दुखड़े मिटे देता छुटकारा है मेरा श्याम धनी। कलयुग का राजा खाटू नरे तो हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। अरविंदों का दुला खाटू कितने लोग जाने वाले हैं और खाटू से कौन हमारे साथ जुड़ा है? ज्योति वोरा दीदी आई है, रानी जोशी जी, देवराज मीना जी, रेणु अग्रवाल दीदी जी, भारतीय दीवादी, सभी राधे राधे लिखते चले। और आज राधे राधे हमारे देवराज मीना जी लिख रहे हैं। देवराज मीना जी 108 बार राधे राधे लिखना है आपको तो आपके और सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि आज भक्ति का दिन है। क्योंकि बहुत सारे लोग खाटू जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, पर मैं ये कहूंगा जो श्रद्धा और भक्ति लेकर जाता है उसकी बात ही अलग होती है, वही बाबा के आकर्षण को पहचान पाता है और उसकी आशीष पाता है। क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर कि आ रहे हैं लाखों श्याम बाबा का करते हैं दर्शन, इनके चेहरे में है वो आकर्षण, ध्यान से जो देखे इनके चेहरे में है वो आकर्षण। दीवाना कर देता, दीवाना कर देता, ऐसा जादूगारा है मेरा श्याम धनी। कलयुग का राजा खाटू नरे तो बोलो बोलो प्यारा सा मुखड़ा मुंगरा नरेश, कलयुग का राजा खाटू नरेश, हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी। बनवारी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे। सहारा पुकार लगा दे, आज के दिन अरदास लगा दे बाबा श्याम के दरबार में, शायद हमारी ये पुकार चली जाए। और शायद क्यों जाएगी ही, आज 11 से एकादशी है, बाबा का दिन है, तो अपना हाथ कौन कौन पकड़ाना चाहता है बाबा के हाथ में, वो एक एक जयकारा लगा दे। और विजय भैया जुड़े हैं कि नहीं, विजय भैया, खुशबू भाभी, मोनिका भाभी, संजू भैया, और सबको समर्पित होना पड़ेगा। रीता दीदी कहाँ चली गई? आज तो स्टार पार्टी भी नहीं लाई रीता दीदी, वो बाबा की जैसी इच्छा आज की, क्योंकि हम तो यही कहते हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तरफ देखो हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सुशांत भैया आज लेट जुड़े हैं, जय श्री श्याम भैया, वैशाली दीदी, जय श्री श्याम, शेयर करेगा आज। और आज जगमोहन सर को तो पनिशमेंट मिलने ही वाला है, क्योंकि मैंने उनको स्पेशल न्योता दिया था कि नहीं, वो लिखेंगे जय श्री श्याम 101 बार। हमारे जलसा अभी तक कमेंट देख रहा हूँ मैं, 1 घंटा 17 मिनट हो चुके हैं, नहीं पर आज 11 से व्यस्त होंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जज साहब आप इन्हें लेकर गए थे पहली बार खाटू हमें, तो हम तो यही कहेंगे एक बार फिर से कि पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा, कि भैया आप बन जाओ बाबा, ओ बाबा, कि भैया आप बन जाओ नहीं तो डूब जाएंगे। कि भैया जाओ नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी
नहीं तो डूब जाएंगे। और बिल्कुल जो हाथ एक बार पकड़ा देगा ना बाबा के हाथ में, वो कभी नहीं डूबेगा, वो रेगिस्तान में भी तैर जाएगा। और ऐसे कई चमत्कार अनुभव होते हैं श्याम भक्तों को जब हम उनसे मिलते हैं, तो उन अनुभवों को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बाबा के प्रति जो भक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। विश्वास और पक्का हो जाता है, भरोसा अटूट हो जाता है कि जब वो मनुष्य जो कई बुरे कर्म करता है उन पर भी बाबा अपनी इतनी कृपा बरसाता है, तो जरूर हमसे भी कभी न कभी कोई गलती हुई होगी, या फिर पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होंगे जो हम बाबा से मिले हैं, तो उन कर्मों के कारण शायद बाबा का आशीर्वाद हमें मिल जाए और वो हमारी सारी गलतियां जो है उसे माफ कर दे। बिल्कुल। तो जो भक्ति करता है ना बाबा की, वो बड़ी किस्मत से करता है, सौभाग्य से करता है। और ऐसे कई श्याम प्रेमी जुड़े हैं अभी इस समय जिनको कई अद्भुत अनुभव हुए हैं, कई चमत्कार देखने को मिले हैं। तो बड़े चमत्कारी अवतार हैं हमारे बाबा, कलयुग के एक ऐसे देवता हैं कि जिसे सारी दुनिया ठुकरा देती है बाबा उसे अपना लेते हैं। जब हम हर द्वार से दुत्कारे जाते हैं, जब हर जगह से हार जाते हैं, और जब दिल से एक बार श्याम नाम की माला जपने लग जाते हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और हम सांवरे की महफिल भी तो तभी सजाते हैं, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, और गहरा नाता हमारे जगमोहन सर का है, और शक्ति सिंह भैया का भी है, शक्ति सिंह भांजे साहब का भी है, ज्योति दीदी का है, क्या बात है, और हमारे गिरिराज भैया का भी है, और सभी लिखेंगे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सभी लिखते चले। गहरा है बाबा श्याम से, अरे गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को बाबा आता है उनसे, उनका ये साथी बन जाता है, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है, सांवरे की महफिल को। कृपा बरसती जिन पे इनकी, कृपा बरसती है जिन पे इनकी, तकदीर लिखता हाथों से उनकी, कृपा बरसती है जिन पे इनकी, तकदीर लिखता हाथों से उनकी, गम का अंधेरा
गम का अंधेरा छट जाता है। सांवरे की मेहनत को सांवरा सजाता है। किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए कि भजनों में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है जो हमारे सारे पापों को धो डालते हैं। बिल्कुल। और तो आजकल के बच्चों से यही हम कहेंगे, वीर हनुमाना ते बलवाना, हनुमाना ति बलवाना, वीर हनुमाना ति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना ति बलवाना, नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, हर जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, हर जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, तो राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बाला पेरो थारी माला, बजरंग बाला पेरो थारी माला, अरे बजरंग बाला पेरो थारी माला, बजरंग बाला पेरो थारी माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, बजरंग बाला फेरो थारी माला, बजरंग बाला फेरो थारी माला, तो संकट हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे,
संकट हरियो रे हो प्रभु मन बसियो रे कोई साथी हाथ की तंगी ना कोई संगी हाथ की तंगी जल्दी करियो रे प्रभु मन बसियो रे जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे हाँ जल्दी हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अरे राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे 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 पर जगमोहन सर का कमेंट दिख रहे हैं मुझे क्योंकि मैं तो यही कहूंगा जुड़ी है जय श्री श्याम आपके चरणों में प्रणाम और आशीर्वाद दीजिए ग्यारस के दिन बिल्कुल और बड़े सौभाग्यशाली हमारे जस साहब कि अभी दर्शन करके आ रहे हैं खाटू से आ रहे हैं तो खाटू नरेश की जय और पूरी वायर फैमिली के लिए उन्होंने प्रार्थना की है वाह कि जल्दी बुलाए हमें भी और हम तो यही कहेंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे और जब राम आ चुके हैं वैसे तो 500 साल के लंबे इंतजार के बाद लेकिन एक भक्त ये चाहता है कि जैसे वो अयोध्या में आए ऐसे उनके घर भी आए और उनके भाग जगाए तो जब राम हमारे घर आएंगे तो हम क्या करेंगे राम आएंगे तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे बोलो मेरे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे
जाएंगे तो भजन तो सुनेंगे ही, भजन तो सुनेंगे, उसके बाद आप क्या करवाएंगी? खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ गुरु फिर से भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, सफल हो जाएगा मेरा जन्म, सफल हो जाएगा मेरा जन्म, सफल हो जाएगा मेरा जन्म, सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, संग सीता जी को प्रभु श्री राम जी राम लाएंगे, संग सीता जी को प्रभु श्री राम लाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, अरे चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, तो बोलो बोलो राम राम श्री राम, राम राम श्री राम। और राम को जब पुकारते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं, और जब हनुमान जी को हम याद करते हैं तो राम जी अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसा प्यार है भक्त और भगवान का, तो प्रभु काश हमें भी थोड़ी सी भक्ति मिल जाए इस जन्म में, ताकि तेरी कृपा हम पर सदा बनी रहे और हम ये आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाएं। और उसका सीधा सरल मार्ग है राम नाम, जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें वो शक्ति होती है जो एक डाकू को भी वाल्मीकि बना देती है। तो हमने उतने पाप तो नहीं किए हैं, लेकिन जो भी किए हैं प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना और अपनी भक्ति हम पर बनाए रखना, अपनी भक्ति हमें उपहार में देना। अरे पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, अरे पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें, हो
राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। ओ कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम। मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय श्री राम, अपने राम जी से कह देना जय श्री राम। कीजे केसरी के लाल, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ओ मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो बोलो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ होए है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल पर रखिए चारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। तो ये नॉन स्टॉप भजन संध्या थी जो 9:15 से शुरू हुई और प्रभु इच्छा यानी 11 बजे तक ये हमने प्रभु की आराधना की है। और आज 11 का बड़ा ही पवित्र पावन दिन है, आप सभी को एक बार फिर से एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयां। और आज बाबा श्याम की भक्ति आराधना करते वक्त मन में बस यही प्रार्थना चल रही थी कि प्रभु जो जो इस समय हमारे साथ इस भक्ति में आपकी भक्ति करने में जुड़े हैं सबकी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। और रंजीता जी हमारे जज साहब कह रहे हैं कि एक फागुन का भी भजन होना चाहिए। अच्छा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सभी सदस्यों का फागुन में खाटू धाम में बाबा के दरबार में स्वागत है। वाह, वो ये कह रहे हैं सभी पहुंच जाएं हम ही। और हाँ, हो सकता है हम भी बिल्कुल बाबा से अरदास लगाए हुए हैं कि बाबा फागुन में हम आपके दरबार आए, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दे बाबा। तो बिल्कुल देखते हैं, योग बना दे तो वो योग कब बनते हैं। मन तो बहुत है, तूने मुझे बुलाया शेरावाली है। माता की भजन की भी आ रही है। चलिए, फागुन लगने वाला है और फागुन में जो मेला खाटू में लगता है वो उसकी तो हम शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते क्या नजारा होता होगा। और जैसा ये धमाल जैसा कुछ लग रहा है तो प्रयास है हमारा, अगर गलतियां हो तो क्षमा करें और बाबा से भी क्षमा मांगते हैं। लो फागुन आया रे, मस्तियां लाया रे। लो फागुन आया रे, मस्तियां लाया रे। नाचो दीवानों झूम झूम के। लो फागुन आया रे, मस्तियां लाया रे। लो फागुन आया रे, मस्तियां लाया रे। नाचो दीवानों झूम के। अरे ये मेला है श्याम का। लो फागुन फागुन आया रे, मस्तियां लाया रे। नाचो दीवानों झूम झूम के। फागुन में क्या क्या होता है खाटू धाम में, जस साहब हमें लिख के बताएंगे कैसा नजारा रहता है वहाँ। मंदिर में सज धज के बैठा है लख दातारी। मंदिर में सज धज के बैठा है लख दातारी। हर मंदिर में सज धज के बैठा है लख दातारी। मंदिर में सज धज के बैठा है लख दातारी। रंग अबीर उड़ाओ और मारो भर पिचकारी। रंग अबीर उड़ाओ और मारो भर पिचकारी। रंग दोना प्रेम से दरबार
झूम के लो फागुन आयो रे मस्तिया लाया रे नाचो दीवानो झूम झूम के। तो रिंग से केवल फागुन में पैदल पदयात्री ही जाते हैं, क्या बात है, रिंगस से भक्तों का रेला लगा रहता है। खूब धमाल मचेगी खाटू में फागुन में, फागुन आया रे मस्तियां लाया रे नाचो दीवानो झूम झूम के। और कौन कौन जाना चाहता है फागुन में खाटू, जरूर अपनी एक एक अरदास जरूर लगाएं, जय श्री श्याम जरूर लिखें, बाबा का बुलावा जरूर आएगा। और मेरा मन भी कह रहा है कि शायद हम भी बाबा के दर्शनों को जाएंगे। और वर्ष में एक बार आता है फागुन, तो ऐसा मौका ना चुके। वैसे भीड़ तो बहुत रहती है, तो थोड़ा सा सावधान होकर जाएं और खुशी से कहें, हमें भी बताएं कि कौन कौन फागुन में जाने वाला है, और जो जाएगा वो भी हमें जरूर बताएगा कि कौन कौन गया था। वाह, जय श्री श्याम। और मेरी बाबा से कह देना जय श्री श्याम। और रीता दीदी, अगर आप भी इंडिया आएंगी तो जरूर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी खाटू दर्शन को जरूर चलेंगी हमारे साथ में। और सुशांत भैया ने हमारे जगमोहन सर ने कहा था कि 2 ही घंटे भजन संध्या गाना है सिर्फ क्योंकि नॉन स्टॉप हो गया है, कंटिन्यू 9:15 से 11:15 होने वाले हैं। लास्ट तूने मुझे बुलाया फरमाइश थोड़ा सा वो इस पे हो जाएगा। हाँ। अच्छा तुमसे नहीं निकलेगी, मुझसे खाना बन जाता है, लिरिक्स नहीं निकलती है। हाँ। तूने मुझे बुलाया शेर वाले हिंदी लिरिक्स। तो एक माता जी का एक प्यारा सा भजन लेते हैं। और नितिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद स्वरूप। और आज की हमारी स्टार पार्टी राकेश जय जी ने पूर्ण की है, रीता दीदी ने पूर्ण की है मिल करके। और रघुवंशी भैया, शक्ति सिंह भांजे जी, धन्यवाद। बाबा की कृपा, विशेष कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है हमारी। साची जोतों वाली माता पे ध्यान रखो, धर्म ध्यान रखो, जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया मैं आया शेरवालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया मैं आया शेरवालिए, ओ जोता वालिए पहाड़ा वालिए मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया मैं आया शेरवालिए। बोलो जय माता दी, सभी लिखें।
सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रहना पाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, तो बोलो बोलो मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, सूने मन में जल गई बातें, तेरे पद में गए साथी, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, तो बोलो बोलो बरसाती रहती है। तो कौन कौन जा रहा है माता के दरबार? कौन है राजा कौन भिखारी, 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 एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके, अपने गले लगाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, ओ बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, और सभी बोलेंगे ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओए सारे बोलो जय माता दी, ओए सारे बोलो ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, ओ सारे बोलो ओ सारे बोलो, ओ जय माता दी, जय माता दी, सभी लिखेंगे जय माता दी, जय माता देखिए फिल्मी तो सभी शेयर करते हैं, आप सबने जिसने भी आज शेयर की है ये भजन संध्या, वाह बाबा श्याम हमेशा अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखे, अपनी असीम कृपा उन पर बरसाते रहे और उनके सारे बिगड़े काम बन जाए, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हाँ, और आज की भजन संध्या आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि आज बहुत मेहनत वाली भजन संध्या थी, क्योंकि आज हम लोगों ने ट्रैक यूज नहीं किए हैं और लाइव रिदम के साथ एहसास करवाने की कोशिश की आप लोगों को, कैसा लगा प्लीज अपने शानदार कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखें,
और 2 घंटे 5 मिनट हो गए हैं और सबने प्रभु भक्ति की, इतना अपना कीमती समय निकाल करके भक्ति करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जिनने भी स्टार्स देकर आशीर्वाद दिया है आज ग्यारस के दिन, बाबा श्याम उन पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। और आज के जो यजमान थे वो थी हमारी रीता दीदी, राकेश जिया जी और अमित चंदेल जी। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, आप सभी को प्रणाम।